हाउ टू फिक्स व्हाट्सएप कैंट सेंड इस मेरिया प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, व्हाट्सएप में एक बहुत ही बड़ा इश्यू हुआ है, ठीक है, जिसको फिक्स करने का तरीका दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे यूट्यूबर भी जता रहे, ये सॉल्यूशन कीजिए, वो सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन तो दोस्तों किसी किसी का मोबाइल पे काम कर रहा है, लेकिन किसी किसी का मोबाइल पे काम नहीं कर रहा है। और ये जो है ना दोस्तों, जब आप सेंड करते हैं कोई भी मीडिया फाइल को, तो कोई मीडिया फाइल सेंड हो जाते हैं और कोई सेंड नहीं हो पाते, ये कैसा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर पे मैं आपको 12 बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन यहाँ पे कह सकते हैं, या फिर 12 बहुत ही ऐसा सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ जिसको आप फॉलो करते हुए अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन दोस्तों आसान भी होगा, थोड़ा सा टफ भी होगा, और यहाँ पे कोई थोड़ा सा ट्रिक भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई मीडिया सेंड करना है, इमरजेंसी आप नहीं कर पा रहे, तो आपको कैसे सेंड करना है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों आपको वीडियो जो है शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। जो सॉल्यूशन होगा स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको फॉलो करते हुए जाना है, एंड देन आपका प्रॉब्लम फिक्स्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों चलिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को स्किप किए बगैर देखिए, क्योंकि 12 सॉल्यूशन है और 12 सॉल्यूशन कंप्लीट करने में टाइम तो लगेगा, ठीक है। और ये जो वीडियो है दोस्तों, मैंने रिसर्च किया है इस प्रॉब्लम के बारे में, और जितना सॉल्यूशन हो सका मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे प्रकार दूसरे चीज़ यहाँ पे मान लीजिए, जैसे कि आपका मोबाइल डिफरेंट है और किसी किसी का मोबाइल जो है डिफरेंट मोबाइल्स यूज़ करते हैं, सभी के लिए सेम नहीं होता है, तो इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे 12 ऐसा बेस्ट सॉल्यूशन निकाला है जो कि आप यहाँ पे फॉलो करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, और सारे डिवाइसेस में आप ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे 12 सॉल्यूशन मैंने ढूंढ निकाला है, तो आप भी फॉलो कीजिएगा, प्रॉब्लम आपका सॉल्व यहाँ पे ज़रूर होगा। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आ जाते हैं तो आप दोस्तों रिसेंट बटन पे क्लिक कीजिए, व्हाट्सएप को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप को रिस्टार्ट कीजिए एंड देन मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए, ठीक है। और हो सके तो दोस्तों रिसेंट बटन पे क्लिक करके आपको क्लियर ऑल ही कर देना होता है, ठीक है। तो यही कीजिए, रिसेंट बटन पे क्लिक कीजिए, क्लियर ऑल कीजिए, उसके बाद मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए। रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों आप एक बार चेक करके देखिए, अगर प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर दोस्तों यहाँ पे आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन फॉलो करना है। नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको अपडेट पे जाना है, ठीक है, यानी कि प्ले स्टोर पे जाना है आपको, और सर्च करना है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप सर्च करने के बाद आपको कर देना है व्हाट्सएप को अप टू डेट। यहाँ पे अपडेट आ चुका है, दोबारा से अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद दोस्तों मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए और एक बार चेक करके देखिए, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते तो नंबर 3 सॉल्यूशन पे जाइए। तो उसके लिए नंबर 3 सॉल्यूशन करने के लिए आपको जाना है सेटिंग, ठीक है, सेटिंग पे जाइए। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐप नोटिफिकेशन पे जाना है, ऐप नोटिफिकेशन मैनेज ऐप इंस्टॉल ऐप मैनेजमेंट ऐप मैनेजर करके आपको ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जाके व्हाट्सएप को ओपन करना है, फोर स्टॉप करते हुए ओके कीजिएगा, ठीक है। फोर स्टॉप करने के बाद आपको स्टोरेज एंड कैश पर जाना है और क्लियर कैश कर देना है, क्लियर कैश कीजिए, उसके बाद बैक कीजिए, मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए, एक बार चेक करके देखिए। तो इससे अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो जाइए सेटिंग एंड देन मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन को फिक्स कीजिए।
हो सकते हैं आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो, उसके वजह से आपका जो डेटा है उसको व्हाट्सएप पास नहीं कर पा रहा होगा, तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम आते हैं कोई डिवाइस में। तो आपको सिस्टम पर जाना है, रिसेट ऑप्शन, रिसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ, ये है आपका रिसेट नेटवर्क सेटिंग। सिम सेलेक्ट कीजिए, रिसेट सेटिंग पर क्लिक कीजिए और मोबाइल पासवर्ड देके नेटवर्क सेटिंग को रिसेट कीजिए। नेटवर्क स्लो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नेटवर्क को फिक्स कर लीजिए। उसके बाद एक बार ट्राई करके देखिए, रिसेंड कीजिए, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो दोस्तों हो सकते हैं जो मीडिया आप सेंड कराओ वो दोस्तों करप्टेड हो सकते हैं, ठीक है। तो करप्टेड मीडिया पे दोस्तों आपको इस तरीके का प्रॉब्लम होगा, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप करप्टेड मीडिया सेंड ना करें, आप दूसरे मीडिया सेंड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक मीडिया नहीं जा रहा है तो दूसरे कीजिए। और दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि सारे मीडिया पे ये प्रॉब्लम आते हैं, कोई मीडिया सेंड हो जाते हैं, ठीक है, कोई मीडिया सेंड हो जाते हैं, कोई मीडिया ही सेंड नहीं हो पाते, तो चेक कर लीजिए अगर वो करप्टेड वगैरह है तो आप उनको दोबारा से डाउनलोड कीजिए और उसके बाद रिसेंड कीजिए, ठीक है, एंड देन आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, आपका SD कार्ड में अगर वो फाइल है तो SD कार्ड को इजेक्ट कीजिए और रीइंसर्ट कीजिए, ठीक है, तो उससे भी काम बन जाएगा। साथ ही साथ आपका SD कार्ड करप्टेड वाला नहीं होना चाहिए, आपका SD कार्ड जो है सही होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों एक बार ये भी करके देखिए, आपके मोबाइल पे जो फाइल आपने सेंड कर दिया है उसको यहाँ पे डिलीट कीजिए, ठीक है, उसको यहाँ पे डिलीट कीजिए। डिलीट हो गया, 3 डॉट्स, उसके बाद मीडिया एंड लिंक्स, और यहाँ पे जो फाइल आपने सेंड किया हुआ है उनको भी डिलीट कीजिए। डिलीट करने के बाद मल्टीमीडिया ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, ऑडियो पे जाइए और उसके बाद रिसेंड करने की कोशिश करें, सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम, ठीक है। कोई मोबाइल पे सॉल्व हो जाते हैं, कोई मोबाइल पे नहीं होते, जैसे कि मेरा यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉब्लम अभी भी आ रहा है, ठीक है, तो आप ये चीज़ भी करके देख सकते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन बना रहा हूँ मैं सभी मोबाइल के लिए बना रहा हूँ, तो इसीलिए मैं सब सॉल्यूशन आपको पेश कर रहा हूँ क्या क्या आप तरीका कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे फ़ोन पे ये करने के बाद दिक्कतें नहीं आ रहा है, मुझे भी आ रहा है दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम, क्या करें, ये व्हाट्सएप की तरफ से बग है, तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो कोई कोई मोबाइल पे ये काम कर जाएगा बिल्कुल 100% तरीके से, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप ये चीज़ करके देख सकते हैं। अभी दोस्तों फ़िलहाल जाते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन, जो कि हमारा नंबर 7 सॉल्यूशन होगा। नंबर 7 सॉल्यूशन पे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, आप एक बार सेफ मोड पे मोबाइल को रिबूट करके देखिए, ठीक है। उसके लिए पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करना होता है, पावर ऑफ के बटन पे 2 सेकेंड क्लिक करके रखना होता है, उसके बाद रिबूट टू सेफ मोड ओके कर दीजिएगा। सेफ मोड पे रिबूट होने के बाद एक बार चेक करके देखिए दोस्तों, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे लगभग हो जाना चाहिए भी, अगर सॉल्व हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको जाना है नंबर 8 सॉल्यूशन पे। नंबर 8 सॉल्यूशन पे दोस्तों मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा, आप मीडिया पे क्लिक करें, उसके बाद डॉक्यूमेंट एंड देन ब्रॉस में जाइए, या तो फिर यहाँ पे ऑडियो दिखाई दे रहा है तो ऑडियो सर्च कीजिए, ठीक है, तो ऑडियो यहाँ पे सर्च कीजिए, क्लिक कीजिए, सेंड कीजिए, एंड देन यहाँ पे सेंड हो गया, ठीक है, ऑडियो यहाँ पे सेंड हो गया लगभग। और ऑडियो सेंड होने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे बस प्रॉब्लम सॉल्व। तो डॉक्यूमेंट के थ्रू आप मीडिया को सेंड किया कीजिए, अगर डायरेक्टली मीडिया सेंड नहीं हो रहा है तो डॉक्यूमेंट के थ्रू मीडिया को सेंड कीजिए, डेफिनेटली काम करेगा, ठीक है, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे फॉलो अप कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम कुछ ट्रिक के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है, मैं इसको एडिशनल ऐड कर दे रहा हूँ। दोस्तों मैं 9th सॉल्यूशन पे जाऊँ, उससे पहले मैं आपको कोई ट्रिक बताने वाला हूँ इस बीच में, ठीक है, तो इस बीच में मैं आपको कोई ट्रिक बताने वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों देखिए, आप ऑडियो सेंड करने वाला है, ठीक है, आप ऑडियो सेंड करने वाले हैं लेकिन व्हाट्सएप के थ्रू नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ पे गूगल ड्राइव के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है, गूगल ड्राइव के थ्रू कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता रहता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल आपने गया यहाँ पे, आप गया आपके फाइल पे या फिर आपके मीडिया के अंदर पे, उसके बाद एक
एक मीडिया को सेलेक्ट कीजिए, शेयर पे क्लिक कीजिए। शेयर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सेव टू ड्राइव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक फोल्डर बना लेना है, ठीक है। SONGYT करके मैं बना देता हूँ, क्रिएट सेलेक्ट एंड सेव। तो यहाँ पे प्रिपेयरिंग हो रहा है अभी दोस्तों, फाइल जो है यहाँ पे सेंड हो जाएगा। ड्राइव इज़ सिंसिंग योर फाइल एंड फोल्डर्स, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप गूगल ड्राइव से भी सेंड कर सकते हैं, वो कैसे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे अपलोडिंग हो रहा है फाइल, ठीक है। मैं वाईफाई वगैरह ऑन कर लेता हूँ। तो फाइल सेंड होने के बाद दोस्तों आप उसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है, उसको सेंड कर सकते हैं आप फाइल से भी। तो यहाँ पे ओके, अभी भी बाकी है। तो फाइल दोस्तों ऑलमोस्ट सेंड हो गया। अभी क्या करना है, आपको जाना है ड्राइव के अंदर पे, ठीक है। तो ड्राइव में चला गया, उसके बाद मैं सॉन्ग सर्च करता हूँ, सॉन्ग YT, और ये आ चुका है। अभी दोस्तों थ्री डॉट्स में क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको इसका लिंक जो है वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैनेज पीपल विथ लिंक्स, और यहाँ पे चेंज पे क्लिक कीजिए, रिस्ट्रिक्ट पे क्लिक कीजिए, एनीवन विद अ लिंक, एंड देन आपको यहाँ पे व्यूअर पे क्लिक करके एडिटर कर देना है, उसके बाद बैक कर देना है। बैक करने के बाद इस लिंक को कॉपी कीजिए, कॉपी लिंक करके आप किसी को भी सेंड कर दीजिए। यहाँ पे मैंने सेंड कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑडियो मैंने सेंड कर दिया है। अभी वो बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा और डायरेक्टली ओपन विद ड्राइव करके इसको डाउनलोड कर लेगा। तो ये भी दोस्तों एक काफ़ी अच्छा तरीका है जो कि आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो उसके बाद अभी हम जाएंगे नंबर 9th सॉल्यूशन पे। उसके लिए दोस्तों हमें जाना होगा सेटिंग, यहाँ पे हमें दोबारा से वही सेटिंग लेना होगा। ऐप एंड नोटिफिकेशन, उसके बाद व्हाट्सएप, व्हाट्सएप के बाद आपको स्टोरेज एंड कैश, एंड देन क्लियर स्टोरेज और ओके कर देना है। क्लियर स्टोरेज ओके करने के बाद आपका डेटा क्लियर हो जाएगा, सारे परमिशंस अलाउ कर लेना है, मोबाइल को रिस्टार्ट करना है, उसके बाद आपका जो व्हाट्सएप है उसको री लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट्सएप को इसलिए री लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि आपने यहाँ पे व्हाट्सएप को क्लियर डेटा कर दिया है और सारे डेटा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों व्हाट्सएप में अगर कोई बग्स आ गया है तो वो डेटा क्लियर करने से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार व्हाट्सएप का डेटा क्लियर करके देखिए, बैकअप वगैरह कुछ भी मत रखिएगा वरना वही सेम प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो विदाउट बैकअप आप क्लियर डेटा करके एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों, इससे सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर सॉल्व हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो जाइए सेटिंग। सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और सिस्टम पर जाके अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर देना है, ठीक है। तो मोबाइल सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट कर दीजिए। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद दोबारा से एक बार चेक कीजिए, ट्राई कीजिए और दोस्तों सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। दोस्तों अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं नंबर 10th सॉल्यूशन करने के बाद भी, जो कि सॉफ्टवेयर अपडेट है, तो ठीक है। अगर इससे भी नहीं हो रहा है, काम नहीं बन रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप नंबर 11th सॉल्यूशन पे जाइए जो कि रीइंस्टॉलेशन प्रोसेस है। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, व्हाट्सएप सर्च करना है, व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद आपको बैक करना है। बैक करने के बाद सेटिंग पर जाके सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह चेक कर लेना है। अगर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, सिस्टम अपडेट नहीं है, तो सिस्टम को अपडेट कीजिए। उसके बाद दोस्तों दोबारा से चेक करके देखिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद रीइंस्टॉल करना मत भूलिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कहना भूल गया, अनइंस्टॉल कीजिए, सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए, उसके बाद ऐप को रीइंस्टॉल कीजिए, उसके बाद ही चेक करके देखिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया नंबर 11th सॉल्यूशन। अभी 12th एंड फाइनल सॉल्यूशन पे है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आखिर होते क्यों हैं। दोस्तों ये प्रॉब्लम हमारे करप्टेड मोबाइल की वजह से भी होते हैं। मान लीजिए मोबाइल पे ही बग आया हुआ है, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, सारे चीज़ में बग आया हुआ है और मोबाइल स्टोरेज भी ऑलमोस्ट फुल है और मोबाइल स्टोरेज बिल्कुल भी साफ़ नहीं है, तो इसके वजह से भी प्रॉब्लम होते हैं। तो प्रॉब्लम यही होते हैं, ठीक है, जहाँ तक मुझे इस रिसर्च में पता चला है।
तो यहाँ पे नंबर 12 सॉल्यूशन पे मैं आपको क्या सजेस्ट करने वाला हूँ, सेटिंग पर जाइए, उसके बाद सिस्टम रीसेट इरेज ऑल डेटा एंड देन डेटा को इरेज कर दीजिए। मोबाइल डेटा इरेज होगा, उसके बाद एप्लीकेशंस को धीरे धीरे करके इंस्टॉल करते जाइए मोबाइल पे। पहले व्हाट्सएप को ही इंस्टॉल कीजिए, ठीक है, और उसके बाद आप ट्राई करके देखिए दोस्तों, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो फ़ोन रीसेट करके देखिए, इससे दोस्तों डेफिनेटली काम बन जाएगा। तो ये है दोस्तों व्हाट्सएप का मेरिया फाइल नॉट सेंडिंग प्रॉब्लम, या फिर अगर आपका मीडिया जो है सेंड नहीं हो पा रहा है व्हाट्सएप में, तो इस सॉल्यूशन को फॉलो अप कर सकते हैं। और दोस्तों जो मैंने आपको ट्रिक बताया है, तो दोस्तों वो ट्रिक आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर दोस्तों आपने स्किप कर दिया उस पार्ट को, तो लास्ट पार्ट आप ये देख रहे हैं, तो दोस्तों आप जाइए बीच में, नंबर 8 सॉल्यूशन पे आपको वो ट्रिक मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।